मजबूती से कार्य करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि पूरे प्रदेश में मेरठ मंडल पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और समस्त मंडल में और मंडल के छहों जनपद में उन्होंने आदेश दिया है, तो आज से सर्वेलेंस का काम शुरू हो गया है। और मुझे ये बताना होगा कि अब तक जो है जो गठन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है उसके अंतर्गत कुल मिलाकर पूरे मंडल में 2375 ग्रामीण क्षेत्रों की निगरानी समितियां हैं और शहरी क्षेत्र में 1516 निगरानी समितियां हैं, यानी कुल 3891 निगरानी समितियां मेरठ मंडल में बनाई गई हैं। मेरठ मंडल के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 50,000 किट्स अलग से जो है अतिरिक्त एंटीजन टेस्ट के उपलब्ध कराए हैं। मेरठ मंडल में ही जो सर्वेलेंस की टीम्स हैं, गौतम बुद्ध नगर में 1532, गाजियाबाद में 2161, मेरठ में 1398, बागपत में 493, बुलंदशहर में 1356 और हापुड़ में 545, कुल 7485 टीम्स लगाई गई हैं। तो ये आह्वान है, अपील है मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि पूरे मेरठ मंडल में हर घर पर जब ये टीम जाए तो पूरा सर्वेलेंस की टीम को कोऑपरेशन दें, उनका सहयोग दें। कोई भी व्यक्ति अगर जरा भी घर पे जो है संदिग्ध है उसके बारे में पूरा विवरण दें, डरे ना, सामने आए, जिससे कि बहुत जल्दी तुरंत उनका उपचार हो सके। और देर होने पर जो है दिक्कत आती है, लोगों के इलाज में भी कठिनाई आती है। अगर जल्दी सर्वेलेंस हो जाएगा, जल्दी लोग जो है सर्वेलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजे जा सकेंगे, तो जल्दी उनका ट्रीटमेंट हो सकेगा और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डेथ रेट को भी बचाने में लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जो पूरा मेरठ मंडल है वहाँ एक एक घर तक अगले 12 दिन में जो है लोग जाएं। अभी 7,500 टीम्स लगाई गई हैं, उनका ये आदेश है कि जहाँ आवश्यकता है टीम्स को बढ़ाया जाए और कोशिश ये की जाए कि 15,000 जो है सर्वेलेंस की टीम पूरे मेरठ मंडल में लगाकर उस कार्य को सकुशल संपादित किया जाए। आपके संज्ञान में है कि पूरे प्रदेश में